इंसान भी बड़ी अजीब और गरीब मखलूक है, किसी भी चीज को अपना हथियार बना सकता है, चाहे तो लकड़ी से लड़े, चाहे लकड़ी से लड़े, चाहे तलवार लेके लड़े, वो अपने दुश्मन से लड़ सकता है, डिफेंस कर सकता है अपना। जानवर को भी देखा है अपना डिफेंस कर लेता है। बिल्ली खड़ी हो, कौवा उसके पास आके बैठता है या शाहीन बैठता है उस पर, बिल्ली जहाँ पे खा रही होती है, बहुत से चरिन परिन दरिन वानी आते, लेकिन जब कुत्ता आता है तो बिल्ली भाग जाती है। क्यों भागती है बिल्ली? क्योंकि बिल्ली को पता है अगर उसने कुत्ते से लड़ने की कोशिश की तो कुत्ते ने उसको मार देना है। कुत्ते को अपना पता है कि बिल्ली की उसके सामने नहीं चलेगी। कुत्ता आता है, अपना कुत्ता बन दिखाता है, भाग भाग भाग, बिल्ली भाग जाती है। अगर बिल्ली लड़े तो हार जाएगी, लेकिन बिल्ली जब भागती है तो कुत्ता उसे पकड़ नहीं पाता, बिल्ली पुदुक पुदुक करके ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन जब शेर आता है तो कुत्ते भागते हैं। क्यों? क्योंकि कुत्तों को भी पता है ये आने वाला शेर, शेर का मुकाबला मुमकिन नहीं है, वो शेर है शेर। लेकिन इंसान छोटे से हाथ पैर वाला लकड़ी को भी हथियार बना लेता है, चाहे तो चोट बना ले, लकड़ी बनाए, सीखे, तलवार चलाए, नंचक चलाता है, वेपन्स चलाता है, पिस्टल बना दी, बंदूक बना दी, मिसाइल बना दी, लेकिन उसके बावजूद अकल का अंधा अपने ही जैसे इंसानों पे मार देता है। बिल्लियों को देखा है कभी बिल्लियों की फौज पे हमला करते हुए? नहीं देखा। अबे क्या सारी बिल्लियां मिलके किसी बहुत सारी बिल्लियों को मारती हैं? मैंने जिंदगी में नहीं देखा। भाई इंसानों को क्या हो गया है? खुद को कहता है कि मैं बहुत अकलमंद हूं, और अकलमंद होने के बावजूद दावेदार है अकलमंद कहने का। मुझे तो जानवरों से भी बदतर नजर आए दुनिया के अक्सर इंसान, क्योंकि अक्सर इंसान इस कायनात के बादशाह को खुदा ही नहीं मानते। वो कहते हैं कि उनके उनके बनाए हुए जो बुत हैं उन्होंने ये जमीन आसमान बनाए, झूठ बोलते हैं सारे। इंसानों के पेट से निकले हुए बच्चों को वो कहते हैं वो खुदा के बच्चे, झूठ बोलते हैं, झूठ। दे लाए फाइट उससे करनी चाहिए जो टक्कर का हो, और अगर टक्कर का ना भी रहे तो लड़ना नहीं चाहिए, भाग जाना चाहिए। मैं हूं इस जमीन पर अल्लाह का लेजेंड, अल्लाह के फजल से मुझसे लड़ने का सोचना भी नहीं, क्योंकि मैंने आसमान और जमीन के अंदर अल्लाह की मदद से ऐसी निशानियां दिखा दी है कि अब रोए जमीन का कोई एक भी इंसान मेरे मुकाबले पे आके कयामत तक ये साबित नहीं कर सकता कि अल्लाह के मुकाबले पे उसका बनाया हुआ खुदा सच्चा है। तो पंगा नहीं लेते अल्लाह के शेरों से, और वो भी ऐसे शेर से जो नाकाबिले शिकस्त हो, समझे। इस लकड़ी का बनाने वाला भी मेरा अल्लाह है, इन पत्तों का बनाने वाला भी मेरा अल्लाह है, और जिनको दुनिया के अक्सर इंसान पूजा कर रहे हैं, राम कृष्ण विष्णु हनुमान ज्यूस थोर, उन्होंने ये सूखा हुआ पत्ता भी नहीं बनाया, पत्ते की शाख भी नहीं बनाई। अबे शाख तो दूर है, ये जहां से टूटा है ना, इसका ये भी नहीं बनाया। और तुम कहते हो या वो ये कहते हैं कि इन्होंने आसमान जमीन बादल बनाए, घंटा देख लो यहां से, कुछ नहीं बनाया। हा बता देना अपने सारे मजहबी रूहानी पेशवाओं को जाके, लेजेंड ऑफ अल्लाह ने आके सत्यानाश कर दिया दुनिया के सारे झूठे खुदाओं का 21वीं सदी में अल्लाह वाहिद अल कहार की मदद से, और उसने जो झंडा उठाया हुआ इस्लाम का
और उसको गिराना नामुमकिन है हमेशा के लिए। अल्लाह अकबर। Thank you.